जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है कोर्स पर फोर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करूंगा एयरफोर्स एग्ज़ाम में आप कौन सी बुक पढ़ें जिससे आपका स्कोर जो है 50+ मतलब 50 और 55 के बीच में रहे, ताकि आप दोनों तरफ से सेफ रहें। एक कटअप में भी, एक सेक्शनल कटअप में भी आप सेफ रहें, ठीक है, और जो ओवरऑल कटअप है उसमें भी आप सेफ रहें, सारे चीज़ में सेफ रहें आप। तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपको मैं बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा कि मैं मैथ्स का बताऊंगा, फिजिक्स का बताऊंगा और इंग्लिश का भी बताऊंगा। और प्लीज़ स्किप मत करना, बहुत बच्चों को देखता हूँ सीधा स्किप कर लेते हैं, तो स्किप मत कीजिएगा, इससे आपको ही हानि हो सकता है। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कौन सा बुक लें जो बेस्ट रहेगा। उससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ग्रुप एक्स के लिए इंग्लिश फिजिक्स मैथ आता है, ये सभी जानते हैं, 70 नंबर का होता है। ग्रुप वाई के लिए 30 नंबर का रीजनिंग होता है और 20 नंबर का इंग्लिश होता है, सभी जानते हैं। और अगर जो भी बच्चा ग्रुप एक्स और वाई का बोथ भरता है तो उसके लिए इंग्लिश 20 नंबर, फिजिक्स 25 नंबर, मैथमेटिक्स 25 नंबर और जनरल अवेयरनेस मतलब रागा 30 नंबर, तो टोटल मिला के 100 नंबर उसके लिए होता है। ओके, तो आपको मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ। टाइम आपके लिए एक्स ग्रुप के लिए 60 मिनट होता है, वाई ग्रुप के लिए होता है 45 मिनट, और दोनों आप देते हैं तो 85 मिनट होता है। और सेक्शनल टाइम होता है, ये नहीं कि आप तीनों सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट ले, इंग्लिश के लिए 20 मिनट, फिजिक्स के लिए 20 मिनट, मैथमेटिक्स के लिए भी 20 मिनट और जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट मिलता है। तो उसी आधार पर आप अपना टाइमिंग सेट कर लीजिए कि मुझे इतने मिनट में, मतलब 10 से 12 मिनट में पूरे फिजिक्स कर लेने हैं, 10 से 12 मिनट में मैथ्स कर लेने हैं, 10 से 12 मिनट में इंग्लिश कर लें, ऐसा अपने आप को बनाइए। आप मॉक दीजिए, डेली मॉक दीजिए, मैं यही कहूँगा आपको। अगर आप एयरफोर्स के बात करते हैं तो मैं बता दूँ एयरफोर्स के लिए दो बुक बहुत ही प्रचलित है, एक है RS अग्रवाल का बुक और एक है लूसेंट। अगर आपका मतलब बेस अगर तैयार करना है, मतलब एयरफोर्स में वाकई 25 out of 25 चाहिए, जिसको 20 नंबर चाहिए उसके लिए भी बताऊंगा, और जिसको 25 out of 25 चाहिए उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक लें। तो देखो, अगर जिस बंदे ने RS अग्रवाल पढ़ लिया तो उसको 25 out of 25 आएगा, ठीक है। RS अग्रवाल को आप एक बार नहीं, जितना बार आप लगा सकते हो उतना बार लगाओ। मैं खुद ही RS अग्रवाल को फॉलो करता हूं और मेरे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं यही चाहूंगा कि आप RS अग्रवाल को ही फॉलो करिए, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जिसके पास RS अग्रवाल नहीं है वो क्या करे, उसके लिए भी एक उपाय है। तो ये है लूसेंट का बुक मैथमेटिक्स का, अगर आप इसको बनाते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 20+ तो आ ही जाएंगे, ठीक है। वो जो 5 क्वेश्चन आता है, मतलब 70% क्वेश्चन इससे बनता है, ये मान के चलो 70% क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। और जो 30% क्वेश्चन जो बचता है वो आपको वहाँ से मेकअप हो जाएगा, मतलब RS अग्रवाल जो बंदा बना लिया वो 30% और 70% ये इस बुक वाले बना लेंगे, ठीक है। तो 70 30 100 हो गया, तो मतलब कहने का मतलब अगर आप ओवरऑल RS अग्रवाल बनाते हो तो आपको 25 out of 25 आएगा, अगर लूसेंट बनाते हो तो 20-22 नंबर तक आप रहेगा। लेकिन आपका अगर एकदम बेसिक मजबूत है तो आप तो बुक भी कोई भी बुक बनाओ आपको 25 में 25 आएगा ही। अब बात करते हैं फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, तो फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक आपके सामने स्क्रीन पर है फिजिक्स का, एकदम लूसेंट का जो हर कोई दीवाना है। अगर इस लूसेंट की बुक की मैं बात करूं, इसमें से मैं खुद पढ़ता हूं और मैंने अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट महसूस किया, 18+ की मैं अभी टारगेट भी नहीं लिया हूँ, मैं 20+ लाने का पूरा टारगेट हूँ इस बार फिजिक्स में, मुझे कैसे भी करके 20+ लाना है। तो वायुसेना भर्ती परीक्षा, तो ये बुक इम्पोर्टेंट है, तो इस बुक को आप जो ज़रूर परचेज कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में मैं जो PYQ सेशन भी ले रहा हूँ तो उसको भी आप करते रहो और इस बुक को भी कर लो, तो आपको पूरा मेकअप हो जाएगा। इस बुक को ज़रूर पढ़ो, सभी बच्चे से मेरा अनुरोध है, यही बुक आपको 18+ आसानी से दिखा देगा। और बात करते हैं अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए मैं कुछ बोलूँगा। अब बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इंग्लिश का अगर आप जिसके पास नोट्स है वो बढ़िया है, नहीं तो मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। लेकिन एक बुक है जो कि ये किरण का सुनता हूँ मैं बेस्ट बुक होता है, तो आप उसको ज़रूर बनाइए। लेकिन मैं तो कोई भी बुक इंग्लिश का नहीं लेता हूँ, मैं अनअकैडमी पर पढ़ता हूँ तो वहीं से मेरा हो गया हुआ है अनअकैडमी के। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जो कि लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर ज्वाइन होइए। लेकिन अगर बेस्ट बुक की बात करूँ तो किरण का सुनता हूँ, मैम लोगों से भी बात हुआ तो किरण बेस्ट बुक है अभी शायद मार्केट में, तो आप इसका परचेज कर सकते हैं और इससे आप लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं जो नोट्स आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करूँगा उसका 20 out of 20 लाने के 100% संभावनाएं हैं। तो आप नोट्स भी पढ़ो और साथ में किरण की भी बुक ले लो, लेकिन अपने से मेहनत करो। आपके पास नोट्स हैं तो बढ़िया है, फिजिक्स के लिए लूसेंट बढ़िया है, मैथ्स के लिए लूसेंट भी बनाओ और RS अग्रवाल, अगर RS अग्रवाल है तो बेस्ट है। तो और
और वाई ग्रुप का वाले के लिए भी बता दूँ, वाई ग्रुप वाले जो भी बंदे हैं उनके लिए है कि आप अगर रीजनिंग की बात करो, रीजनिंग में आप आर एस अग्रवाल का ही बुक फॉलो करो, ठीक है, रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल बुक फॉलो करो। और ये जो मैथ्स है उसके लिए भी एक आर एस अग्रवाल का जो आता है वो अर्थमेटिक का, वो फॉलो करो, बस हो गया। और जीके के लिए मैं हम लोगों का एक पीडीएफ तैयार हो रहा है, आप सभी को पता है, तो एग्ज़ाम के 1 से 2 वीक पहले वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालो।